गाइस एज यू नो अगर आप लोग गेमिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड बिजनेस के लिए कोई ऑल इन वन डिवाइस चाहते हो तो वो आपके लिए टैबलेट से अच्छा कोई डिवाइस नहीं हो सकता बिकॉज टैबलेट में आपको काफी बड़ा डिस्प्ले काफी ज्यादा बैटरी अच्छी खासी परफॉर्मेंस एंड फोन के कंपैरिजन में मच बेटर वाईफाई बैंडविड्थ मिलती है। सो आपका इंटेंशन कुछ भी हो गेमिंग स्टडी और बिजनेस आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि आपको 30,000 रुपीज में मिलते हैं। सभी अपने आप में बेस्ट है एक आपके लिए परफेक्ट है गेमिंग के लिए। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना इफ यू वांट टू परचेज अ परफेक्ट डिवाइस फॉर यू। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में सबसे पहले जो टैबलेट आता है ना ये आपको मिलता है लेनोवो का आइडिया पैड ड्यूट। अभी गाइस ये जो टैबलेट है ना एक क्रोमबुक टैबलेट है मींस इसके साथ आपको एक कीबोर्ड भी मिलता है तो आप इस टैबलेट को एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 10.1 इंचेस का एक फुल एच डिस्प्ले मिल जाता है, 4 साइड नैरो बेजल्स मिलती है, 400 निट्स का ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। बाकी जो डिस्प्ले है ना वो एक IPS डिस्प्ले मिलता है, 4GB ऑफ रैम मिल जाती है, 128GB की आपको इसमें स्टोरेज मिल जाएगी। बाकी मीडियाटेक का हीलियो P60 अल्ट्रा कूल प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आपको नॉर्मल वाली गेमिंग करवा देगा बट एज अ परफॉर्मेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस में भी आपके लिए काफी बेहतर साबित होता है। एंड उसके अलावा 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि आपको अप टू 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ दे देती है, जहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली टैबलेट में काम करते हो तो आप इसको काफी ज्यादा लंबे समय तक चला सकते हो। बाकी ये जो टैबलेट है वाईफाई ओनली टैबलेट है, आप इसमें कोई भी सिम कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते। सही टैबलेट है, इसका जो कलर है वो डुअल टोन में आता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इसके साथ आपको स्टाइलस कंपैटिबिलिटी मिल जाती है तो अगर आप स्टाइलस यूज करना चाहते हो वो भी इसे यूज कर पाओगे। भाई अगर प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 25,000 रुपीज के प्राइस पे ये आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा एंड डील्स एंड ऑफर्स में ये सस्ता भी हो जाता है। गेमिंग के लिए तो मेरे ख्याल से इस टैबलेट को यूज नहीं कर सकते बट हाँ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर बिजनेस या फिर स्टडी रिलेटेड कामों के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहते हो तो ये 25,000 में काफी सही ऑप्शन है। गाइस अगला जो टैबलेट है ना वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर टैबलेट है जो कि आपको मिल जाता है iPad 8th जनरेशन, जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 32GB वाले वेरिएंट की जो कि आपको 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिलता है। अभी देखो इसमें आपको A12 बायोनिक चिप मिलती है, 10.2 इंचेस का आपको रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है जिसके मामले में ये जो टैबलेट है सबसे आगे निकल जाता है। बाकी इसकी जो बायोनिक चिप है ना न्यूरल इंजन के साथ आती है जो इसकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। एंड इस टैबलेट से जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है ना वो काफी अच्छा है, लाइक यहाँ पे बैटरी काफी खर्च होती है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको अराउंड 10 आवर्स का मिल जाता है, अराउंड 7-8,000 mAh आप इसको पकड़ सकते हो। बाकी 8 MP का बैक कैमरा, 1.2 MP का आपको फेस टाइम फ्रंट कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी इज नॉट दैट गुड बट यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी मिलती है ना एप्पल की तरफ से वो आपको काफी सही मिलती है। लाइक आपको बिजनेस या फिर गेमिंग इन दो कामों के लिए कोई टैबलेट चाहिए ना देन मेक श्योर टू गो विद iPad क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी इस टैबलेट से। आप इसमें BGMI या फिर जो भी गेम्स खेलना चाहते हो खेल सकते हो, वैसे BGMI अभी आया नहीं आया इसके लिए बट जल्दी आ जाएगा तब आप इसमें इजीली खेल सकते हो, आपको काफी सही परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक आता है LTE वाला मतलब जिसमें आपको वाईफाई प्लस LTE का सपोर्ट मिलता है वो अराउंड 40,000 के आसपास आता है एंड एक आपको मिलता है 30,000 के आसपास जहाँ पर आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। तो एज योर डिमांड आप इन दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, काफी अलग अलग कलर्स में मिल जाता है। प्राइस इसका वेरी करता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में दे चुका हूँ सभी टैबलेट्स का, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है ना वहाँ से डायरेक्टली आप परचेज कर पाओगे। मेनली ये जो टैबलेट है ना सब तरह के लोगों के लिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको स्टडी करनी है, आपको बिजनेस करना है या फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी काम करना है तो बेस्ट ऑप्शन है 30,000 रुपीज में। फिर अगला जो टैबलेट है ना ये लेनोवो का टैब P11 आ जाता है जो कि एक न्यूली लॉन्च टैबलेट है और आपको कम प्राइस में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें ये दे देता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 11 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि 2000x1200 रेजोल्यूशन के साथ आता है। IPS डिस्प्ले TUV सर्टिफाइड आता है, यहाँ पे आपको आई केयर मोड भी मिल जाता है। उसके अलावा 4GB ऑफ रैम, 128GB ऑफ रोम, वाईफाई प्लस LTE का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आपको ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में भी ये टैबलेट अटकेगा नहीं, हैंग नहीं होगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। 7500mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपको अप टू 10-12 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 घंटे लगातार वीडियो देखते हो तो आप इजिली इसमें देख सकते हो। स्मार्ट क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस, 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है, 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। सो गाइस इफ यू वांट अ बेस्ट ऑलराउंडर टैबलेट जिसमें आपको अच्छी बैटरी अच्छा कैमरा एंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाए तो आप इसके साथ जा सकते हो। 25,600 इसका प्राइस है राइट नाउ अमेजोन के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली ही ये टैबलेट लॉन्च हुआ है, काफी सही परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, काफी कम प्राइस में काफी अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है तो आपको कम बजट में
में एक अच्छा टैबलेट चाहिए तो आप ले सकते हो एंड्रॉइड की तरफ से, बट अगर आपको iOS डिवाइस चाहिए तो आपके लिए iPad 8 जनरेशन वेट कर रहा है। Guys, the last one is from Samsung, which is Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Guys, इसका जो S6 वाला वर्जन है वो थोड़ा महंगा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइट वाले की, जो कि आपको 10.4 इंचेस की एक फुल HD TFT डिस्प्ले के साथ मिलता है। अब ये जो टैबलेट है ना, इसमें आपको S Pen साथ में मिल जाता है, या आप उसको स्टाइलस भी कह सकते हैं, जो भी आपको। तो अगर आप एक आर्टिस्ट वगैरह हो, आपको आर्ट वगैरह करना है टैबलेट के ऊपर, या स्टूडेंट वगैरह हो, बिजनेस के लिए कोई टैबलेट चाहते हो, ये काफी सही ऑप्शन है। बट गेमिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। 8 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाते हैं। कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको लेनोवो वाले में मिल जाती है। 4GB की आपको रैम मिल जाएगी, 64GB की आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, जिसको कि आप अपग्रेड करवा सकते हो अप टू 1TB। 7040mAh की आपको लिथियम आयन बैटरी भी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सभी टैबलेट में 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है। ऐसे ये Wi-Fi प्लस LTE दोनों के साथ आता है, तो आप इसमें सिम वगैरह भी लगा सकते हो। प्राइस की बात करो ना गाइस, तो इसका प्राइस 32,000 rupees आता है, बट ऑफर्स में लिटरली 30,000 में मिल जाता है। एंड अगर आप इसका वाईफाई ओनली वाला वर्जन लोगे ना, तो वो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, अराउंड 25,000 to 26,000 rupees। एज योर डिमांड आप कोई सा भी ले सकते हो। इसमें वैसे जो प्रोसेसर है ना, वो एक्सिनोस 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है, जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी डिमांड के हिसाब से आपको जो भी टैबलेट चाहिए आप ले सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ ना, देखो अगर आपको गेमिंग करनी है, प्रॉपर गेमिंग के लिए भी टैबलेट चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना और थोड़े बहुत काम करने हैं, मूवीज वगैरह देखनी है, आप एप्पल के साथ जा सकते हो। बाकी एज एन ऑलराउंडर टैबलेट अगर आपको कोई चाहिए ना, तो लेना होगा टैब T11 इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको वाईफाई प्लस LTE का सपोर्ट, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें ओनली ऑन 25,600 rupees के प्राइस में मिल जाती है। एंड लेना होगा टैब्स बनाने के मामले में काफी आगे। बाकी डिस्प्ले के मामले में थोड़ा अच्छा टैबलेट चाहिए तो आप सैमसंग के साथ भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक स्टाइलस भी मिल जाएगा। एंड आपको गेमिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, आपको एक प्रॉपर ऐसा कोई टैबलेट चाहिए जिसको आप एज अ लैपटॉप भी यूज में ले पाओ, तो आप लेनोवो का आईडियापैड ड्यूक ले सकते हो। गाइस ओवरऑल चारों ही लैपटॉप बेस्ट है, अपने अपने इंटेंशंस के हिसाब से आप अपना टैबलेट चूज कर सकते हो। बाकी गाइस सभी टैबलेट्स का बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर लेना। बाकी मेरे को नीचे कमेंट में ये जरूर बताना, इनमें से कौन सा टैबलेट आप लेने वाले हो या कौन सा ऑलरेडी ले चुके हो, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ।